अनंत वक्ता बेमिसाल पहल में आज दिल्ली के मलिन बच्चों के बीच शिक्षा स्वच्छता का वीजारोपण, वह भी वृद्धों द्वारा। स्वागत है आपका अनंत वक्ता मीडिया के बेमिसाल पहल में। मैं हूं पंकज उपाध्याय। ताड़ी में श्रद्धा सेवा संस्था के माध्यम से वीणा चोपड़ा तथा उनके साथी सत्य प्रकाश भारद्वाज ने मलिन बस्तियों में रहने व कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चों में शिक्षा संस्कार का संचार करने का बीड़ा उठाया है। मैं 2018 में यहाँ पर शिफ्ट किया था, 2018-19 में। तो मैंने जब यहाँ के हालात देखे, एक साल तक मुझे यहाँ के लोगों को पढ़ने में लगा, तो सबसे पहले मुझे यही लगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। सबसे पहले मैंने यही सोचा कि इनके साथ क्या कर सकती हूँ, और क्योंकि अकेली थी कुछ नहीं कर पा रही थी, अपने साथ मैंने अपने एक साथी को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, और वो आए और हम दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि जो मैं अध्यापक हूँ, अध्यापिका जो भी हूँ, जो मुझे शिक्षा मिली है उस शिक्षा को मैं बेकार ना जाने दूँ और इन बच्चों की सेवा में लगाऊँ। और उसी के लिए सबसे पहले जो मुझे प्रश्न आया कि जगह नहीं थी, तो मैंने अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोगों से बात करके और पार्किंग एरिया इन बच्चों के लिए अलॉट करवाया, और पार्किंग एरिया में मैंने ये स्कूल को पहले चलाया। चोपड़ा, सत्य प्रकाश भारद्वाज दोनों बच्चों में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रवाद, सामाजिकता, मानवता के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व गढ़ने की कवायद कर रहे हैं। सत्य प्रकाश भारद्वाज बताते हैं, जो यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गरीब तबके के हैं, लेबर क्लास बच्चे हैं, जो दोनों माँ बाप, बच्चों के माँ बाप जो दोनों अपना लेबर उसमें चले जाते हैं और बच्चे फिर यहाँ गलियों में खेलते रहते हैं, अपना कूड़ा उठाते रहते हैं और एक गलत सोसाइटी में जाते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने ये पहल की। और जो मेरी साथी हैं उन्होंने मिलके और हमने मिलके आपस में यही डिसाइड किया कि क्योंकि हम एक विद्या से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तो इसलिए हमने उनको इसमें हमने सोचा कि भाई क्यों ना ये समाज सेवा करके इन बच्चों का हम उद्धार करें और बच्चों को कुछ ना कुछ एक बना। साल 2019 के सितंबर में प्रारंभ इस बेमिसाल पहल में तकरीबन 40 बच्चे हैं और ज़्यादातर कबाड़ उठाने वाले, जिसकी बड़ी संख्या मुस्लिम बच्चों की है। वीणा चोपड़ा और सत्य प्रकाश भारद्वाज मिलकर अपनी पेंशन से इन बच्चों के भोजन तथा किताबों की व्यवस्था करते हैं। बताते चले, वीणा चोपड़ा और सत्य प्रकाश भारद्वाज दोनों रिटायर्ड टीचर हैं। चलाने के लिए बच्चे तो तैयार हो गए, उनके माँ बाप भेजने को तैयार नहीं थे कि हम अगर इनको भेजेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल सड़क पर जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, इस तरीके के काम को करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री में भी काम करते हैं। वहाँ से मैं इन बच्चों को लेकर आई और मैंने कहा कि इनका खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, शिक्षा का जितना खर्चा आएगा वो सब मैं और मेरे साथी, हम दोनों पूरा खर्चा उनका सहन करेंगे। और ये डिसाइड किया कि हम दोनों जो पेंशनर हैं अपनी पेंशन का 1/3 इन बच्चों पे खर्च करेंगे। 28 सितंबर को हम लोगों ने इस कार्य का आरंभ किया और आज इस कार्य को बढ़ाते बढ़ाते 15 बच्चों से हमारे आज की तारीख में 40 बच्चे हो गए हैं। और 40 में भी अभी कुछ बच्चे मेरे गांव गए हुए हैं जो आने वाले हैं। और जब मेरे पास ये आए थे, बच्चे बिल्कुल साफ़ नहीं रहते थे,
गंदे होते थे, सिरों में इनकी जुएं चल रही होती थी, हाथ काले पीले होते थे। सबको समझाना शुरू किया और बच्चे उस चीज़ को समझ गए। अभी भी अगर आप इन बच्चों से कोरोना वायरस के बारे में पूछेंगे तो मेरा छोटे से छोटा बच्चा भी आपको जवाब देगा कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या हाथ धो के लेना चाहिए, किस प्रकार से काम करना।